और कथित पेपर लीक केस पर पीसी हो रही है इस वक्त किरोड़ी लाल मीणा की। चलिए आप उसी एग्जामिनर के पास, उस एग्जामिनर का नंबर नाम जगह बताया और वहां से अपनी स्कूल के मेरिटोरियस बच्चों को नंबर बढ़ा के पास कराया, जिसमें कॉपियों में काट छांट हुई और उस काट छांट की जांच हुई तो वो एग्जामिनर को एसीबी ने दोषी पाया गया और विभाग को लिखाया गया कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन राजनीतिक रसूख के कारण एसीबी की उस जांच को दबा दिया गया इसी राज में। अब बोर्ड की परीक्षा के दौरान बोर्ड की गोपनीय शाखा के निदेशक जी के माथुर व अन्य कर्मचारियों ने डीएस साइंस एकेडमी के श्री उमेश शर्मा के बीच बातचीत हुई है, जिनके पूरे बातचीत के मोबाइल के पूरे कागज में आपको दूंगा जो इसमें। अब आप डी के जी के माथुर की कहानी यह है कि ये 14 साल से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में है, रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद में इस सरकार ने, माननीय दुटास राजी ने, इनको दोबारा उसी गोपनीय शाखा में लगा दिया, उसी गोपनीय शाखा में जिस गोपनीय शाखा की शिकायत हुई थी मेरिट उल्टी सीधी बच्चों की करने की, और जो एसीबी ने जिसको सत्य पाया वहीं पर लगा दिया। और गोपनीय शाखा में लग जाने के कारण ये जी के माथुर पूरे राजस्थान के एक दर्जन सेंटर की लिस्ट ये बच्चे लेके आए, वहाँ पर हर जगह पेपर गया है, कई जगह आंसर शीट गई है, जैसे गंगापुर में गई है। अब इसको दबाया क्यों जा रहा है? इसको दबाया इसलिए जा रहा है, इस पूरे प्रकरण को जो मैं कह रहा हूँ सीबीआई जांच होनी चाहिए, कि जी के माथुर और उमेश शर्मा के बीच में जो वार्तालाप हुई है वो वार्तालाप का डिटेल जब निकलेगा एसओजी या कोई भी एजेंसी जांच करेगी तो सीधा सरकार के बड़े नेताओं पर, बड़े अफसरों पर और बड़े संचालक जो ऐसे हैं केंद्र, जो पेपर लीक करते हैं, आंसर शीट लाते हैं, उन पर हाथ डालना पड़ेगा जो एसओजी हाथ नहीं डाल सकती। अब आप सब जानते हैं कि जो गोपनीय शाखा होती है वो सारे पेपर छपवाती है, वही परीक्षा सेंटर तय करती है, वही परीक्षा की कॉपियां भेजती है, मतलब परीक्षा शुरू होने से परिणाम लाने तक की सारी व्यवस्था गोपनीय शाखा की है। इसलिए गोपनीय शाखा के जी के माथुर, जिस पर से सरकार का वरद हस्त है, उसने परीक्षा शुरू होने से, परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने से परीक्षा होने तक दर्जनों सेंटरों पर परीक्षा पेपर लीक किए हैं। मैं इसके आपको एक पेन ड्राइव दे दूंगा, इन पेन ड्राइव में सारे बयान हैं बच्चों के, परीक्षा केंद्रों के। बस्सी में जब विरोध किया तो लाठी चार्ज करके गिरफ्तार कर दिया, और भिवाड़ी में कौन सी नीमराणा में किया तो वहाँ पर, इसमें सारे हैं करीबन एक दर्जन, सीकर में भी हुआ है, एक दर्जन जगहों पर जब विरोध किया, कुछ बच्चियों के भी इसमें बयान है। अब इसमें डोटासरा जी सबूत मांग रहे हैं, तो मैं डोटासरा जी से कहना चाहूँगा, डोटासरा जी रीट परीक्षा एजेंसी के गोपनीय शाखा के रिटायर्ड अफसर जी के माथुर की दोबारा, जिसकी शिकायत एसीबी में थी, जो जांच में एसीबी की में दोषी पाया गया, उसको दोबारा उसी गोपनीय शाखा में क्यों लगाया गया इस सरकार में, और लगाया है उसको जस्ट 2019 में, 23/9/2019 को उसको दोबारा लगाया है। अब मैं डोटासरा जी से पूछना चाहता हूँ, डोटासरा जी आंसर शीट तो केवल एग्जामिन होने के बाद एग्जामिनर को दी जाती है, तो मेरे को मीडिया भाइयों से मेरी प्रार्थना है
कि आंसर शीट गंगापुर कैसे पहुंची, क्या इसकी पूछताछ एसओ जी को डीएस साइंस फैकल्टी की जो सेंटर है उसे नहीं करनी चाहिए, और ऐसे ही एक दर्जन सेंटर्स पर पेपर लीक और आंसर शीट पहुंची है। पहला सवाल डोटासरा जी से, मैंने आपको पहले बता ही दिया कि परीक्षा केंद्र पर पेपर तो लीक हो सकता है लेकिन आंसर शीट नहीं जा सकती, तो आंसर शीट पहुंची है। एसओ जी ने अपने पत्रकार वार्ता में डीएस साइंस संस्थान का नाम लिया है, उससे आज तक पूछताछ नहीं की जा रही, उस पूरे मामले को बत्ती लाल की तरफ मोड़ दिया। बत्ती लाल को बचाने के लिए नहीं मैं आया, बत्ती लाल के साथ मेरा फोटो भी है, डोटासरा जी की वो फोटो है, इसलिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि मेरा चेहरा भी साफ सुथरा हो जाए, डोटासरा जी का हो जाए, सरकार का भी हो जाए, तो सीबीआई जांच कराओ और बत्ती लाल से आगे बढ़ो कांग्रेस के उस पदाधिकारी की तरफ जिसका नाम मैं बाद में बताऊंगा, उसके प्रमाण मेरे पास आने वाले हैं, ताकि लक्ष्मणगढ़ तक मामला पहुंचे। अब एक तीसरी बात, एसओजी ने खुद ने नाम लेने के बाद भी संचालक को डीएस साइंस के को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। चौथी बात, गोपनीय शाखा के अधिकारी कर्मचारी ने परीक्षा केंद्र गंगापुर के संचालक से बार बार बात क्यों की, वो कर ही नहीं सकता, गोपनीय शाखा का जी के माथुर या दूसरे कर्मचारी वहां बार बार बात क्यों कर रहे थे, इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। फिर ये कंटेनर का हादसा था, ये घटना घटित कराई गई थी, इसकी जांच होना चाहिए। आप सबने लिखा है, ज्यादातर अखबार मीडिया ने लिखा है कि उसके साथ कोई पुलिस नहीं थी, कोई एस्कॉर्ट नहीं थी, पलट गई, ड्राइवर मर गया, क्या कंडक्टर नहीं था क्या, तो कब पलटा, कब मरा, मरा या मारा, पुलिस ढाई घंटे बाद पहुंची, फिर कितने पेपर गायब हो गए, फिर पेपर कंटेनर में क्यों नहीं ले जाए गए, पुलिस की गाड़ी में ले जाए गए, और कितने पेपर वहां से गायब हो गए, ये भी पूरे संदेह के घेरे में है। कंटेनर में ही पेपर जाने चाहिए थे जो एक पुलिस की गाड़ी में चले गए, उस पुलिस की गाड़ी में जो पुलिस रूपी बाढ़ खेत को खा रही है गंगापुर में, पुलिस वालों ने ही पेपर अपनी धर्म पत्नियों को सप्लाई किया था, उस पुलिस की कस्टडी में पेपर कैसे दे दिए। इतनी संवेदनशील मामला होने के बाद भी सीओ जमुआ रामगढ़ कह रहा है अपने बयान में जो अखबारों में छपा है कि मेरे को तो ये सूचना ही नहीं मिली थी, मेरे को तो बहुत बाद में सूचना मिली। जमुआ रामगढ़ बंदे में एरिया में रिंगस की पुलिस कैसे पहुंची, क्या मामला आखिर में समझ में नहीं आ रहा, जमुआ रामगढ़ की पुलिस वहाँ, ये रिंगस कहाँ होकर ये कंटेनर जा रहा था, एक्सीडेंट में ड्राइवर मारा गया है या मरा है ये रहस्यमय है, इसके पीछे कोई बड़ा हाथ मेरे को लगता है। और जिन पांच नकली तीन सरगनाओं ने जो प्रमुखता से छपा था पेपर लीक हो जाएगा, उनका इंट्रोगेशन एसओजी ने क्यों नहीं किया, क्योंकि पेपर लीक हो गया। फिर ऐसा भी 30,000 सीसीटीवी कैमरों पर करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किए। तो सुना आपने किरोड़ीलाल मीणा ने।